भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठिए अपने सोफे पे और देखिए पूरा मैच तबाही मचाने वाला। आज आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस मैच को देखकर। यहाँ पर था क्राउन ओपोनेंट एस की जर्सी में, और ए देखो अंपायर ने सिक्का उछाल के जेब में रख लिया है अपने। यहाँ पर कौन टॉस जीता? ओ यार, हम यार टॉस बहुत हारते ही है, टॉस जीतने का नामो निशान नहीं है हमारे पास यार। चलो ए टॉस जीत चुका है, और पता नहीं यार सारे लोग बैटिंग ही क्यों चूज करते हैं, कभी बॉलिंग भी कर लिया करो। तो अभी यहाँ पर हमारे पास है एनरिच नोरकिया, और सामने है डेविड वार्नर और क्रिस मॉरिस जैसे बल्लेबाज। ओह नो, अरे क्रिस मॉरिस तो ठीक है, पर डेविड वार्नर बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पर पहला ही गेंद हो रहा है, और ए देखो अपनी बैंड बजती हुई है। अरे भाई हिल्ला डाला पहले ही बॉल पे शॉट मार के। तो अभी यहाँ पर एकदम ही परफेक्ट टाइमिंग वाला ओपोनेंट है, तो किस तरह से बॉलिंग करी जाए ये बहुत ही बड़ी बात है। वैसे ऐसी मैचों में बॉलर के लिए कोई जगह नहीं होती, ऊपर से ये है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग, और ऊपर से ये बंदा एक लीजेंड और एक हीरो को लेके आया है अपनी बैंड बजाने के लिए। और ये देखो एक वार्निंग यहाँ पर अंपायर, साले तुझे यार मैं ही मिलता हूँ वार्निंग देने के लिए। अब चलो यहाँ पे दूसरा गेंद थोड़ा सा नज़दीक रख के किया जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। यहाँ पर दूसरा गेंद है और ए गया चौके के लिए। अबे यार पैर पे तो लगना था, अभी यहाँ पर चौका चला गया। अब हम यहाँ पर क्या रन बनाते ही रहे। अब ए देखो, अब यहाँ से हमको थोड़ा सा बाउंस बैक करना होगा, नहीं तो यार अपनी तो बैंड बज ही जाएगी इस मैच में। तो यहाँ पर तीसरा गेंद हम कर रहे थे, इस बार आउट स्विंग करके देखने को जी चाहा कि देख लेते यहाँ पर इसकी टाइमिंग कैसी है। तो भाई यहाँ पर भी परफेक्ट टाइमिंग, तो अभी अपनी बैंड बजने वाली नक्की थी ये तो पता चल गया था। अगर फास्टर्स को इतनी ज़्यादा तरह से यूज़ किया तो बैंड बजेगी, पर अपने पास ऑप्शन भी तो नहीं था, ऑप्शन कहाँ से लाऊँ? अब जब बॉलर है ही नहीं स्क्वाड में तो कहाँ से लाऊँ? अब अपने पास है क्रिश गेल जो कि एक अच्छा खासा ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेता है, तो इसके बाद तो वही ऑप्शन रहा था हमारे पास, पर अभी यहाँ पर कैसे बचाऊँ? ए देखो बढ़िया से छक्के मिल रहे हैं यहाँ पर ओपोनेंट को, अभी तो ओवर ख़त्म भी नहीं हुआ और इसने 22 रन बना दिए। अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, अब बताओ हमको। अभी हम यहाँ पर फिर से कुछ अलग बॉल ट्राई कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो क्या होगा, देखो यही होना है, जो भी होना है यही होना है, आखिर में तो गेंद को जाना है स्टेडियम के बाहर। ओ भाई अंपायर तू आज थक जाएगा, आज तू थक जाने वाला है भाई। अब यहाँ पर दूसरा ओवर हम अब सोच रहे थे कि किससे कराए, बॉलर की लिस्ट देखो लंबी सी, पर हमने यहाँ पर पसंद किया गेल को, क्योंकि गेल ही एक ऐसा महारथी बॉलर है अभी जो इस इनिंग को रोक सकता है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत कर दी गेल से बॉलिंग करने की, और ए देखो क्रिस मॉरिस को दिया चकमा आम बॉल के साथ। तो यहाँ पर ए लॉजिक समझ नहीं आया यार, एक तरफ तो डेविड वार्नर को लाया है, दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस को लाया, यहाँ पर वो ला सकता था ब्रायन लारा को, पर ए देखो यहाँ पर हमारे गेल एकदम ही निराली से अंदाज में बॉलिंग करी और क्रिस मॉरिस को किया चलता 0 रन पर। बाय बाय मॉरिस, वापस आना बॉलिंग में, देखेंगे आपको। अभी यहाँ पर कौन आएगा, एरोन फिंच या ब्रायन लारा? ब्रायन लारा आ चुके हैं यहाँ पर, ब्रायन लारा जो कर देते अच्छे अच्छों को ढीला। और यहाँ पर हमने फिर से थोड़ा सा चकमा देने के लिए ड्रिफ्टर बॉल का इस्तेमाल किया, पर नहीं, यहाँ पर ओपोनेंट को कुछ और ही मंजूर था और उसने जड़ दिया छक्का। अब बोल अंपायर आज हाथ दुखेगा कि नहीं दुखेगा बता। अभी यहाँ पर हम टॉप स्पिन करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पर जो टॉप स्पिन हमने किया उससे हमको बहुत बड़ा फायदा मिला, और वो ओपोनेंट के पैर पे जाके लगी और ओपोनेंट थोड़ा सा घायल। तो अभी ब्रायन लारा फिर से ठीक ठाक होके आ गया है, और ए देखो फिर से हमने चकमा दे दिया यहाँ पर। तो ए ओवर एक बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है यहाँ पर। गेल भाई तेरी जितनी तारीफ करे उतनी कम है भाई, तू तो बढ़िया बॉलर निकला रे। ये देखो सिर्फ 6 ही रन दिए हैं, वो भी एस ओपोनेंट के सामने, और वो भी पावर प्ले में यार, पावर प्ले में अब इससे अच्छा क्या हो सकता है।
अभी जब गेल ओवर करके गया तो हम सोच में डूबे थे कि यार अगली ओवर किससे कराए, पर फिर हमने लाया ही पैटरसन को ही लाया। पैटरसन को आज हम डेल स्टेन की तरह सोच रहे थे कि यार आज कुछ कमाल करके दिखाए तो बढ़िया ही मज़ा आ जाए। फिर यहाँ पर पैटरसन से हमने गेंदबाजी शुरू की और ये क्या जादू की झप्पी। अरे ओपोनेंट आजा भाई, सोना नहीं है इधर, आजा खेलते हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा चाहे जितना भी स्कोर बने। और ए देखो अगला गेंद हम कर रहे थे और ए कहाँ लगी, अरे बहुत गलत जगह पे लगा दी। अभी ये देखो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, लेने के देने पड़ जाते। अभी ठीक से वो जो पहना था वो ठीक था, नहीं तो बैंड बज जाती अभी। तो अगली गेंद जा रही थी और ए क्या, इसने क्या सोचा, आज मार खाने की सोच रखी है क्या डेविड वॉर्नर, हर जगह पे यार मार ही खा रहे हो। अब कभी कभी गेंद को लगा दिया करो छक्का वाला शॉट। और फिर हमने सोचा कि यहाँ पर एक कम स्पीड में गेंद डाला जाए, ये बहुत कम रनिंग लेता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बाउंस का, जो कि हम अच्छी तरह से क्रिएट कर रहे थे। और अभी देखो पैटरसन यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ चुक गया, खुशी में पगला गया और ए यहाँ पर चौका गया। अभी यहाँ पर बात ये थी कि सिर्फ पाँच गेंद हो चुके और रन सिर्फ दिए हैं 4, तो अभी आखिरी गेंद एक बढ़िया वाला हो जाए तो यार मज़ा ही आ जाए, क्या बात अगर आखिरी गेंद अच्छा हो जाए तो। पर यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता है यार कि ओपोनेंट का टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है, उसको बॉल ऐसे डालने हैं जो उसके बल्ले पे ना आए, पर फिर भी हम इंसान हैं यार, इंसान से तो गलती तो होगी ही। तो यहाँ पर गया छक्का। अभी हम सोच रहे यार 3 ओवर में 44 रन इसने ले लिए है, अब यहाँ पर किसको लाया जाए। फिर याद आया कि यार अपने पास तो एक तगड़ा वाला बॉलर है यार, मोरिस है, यहाँ पर मोरिस को क्या हम क्या करने के लिए लाए हैं, सबको पानी देने के लिए लाए हैं क्या, आओ मोरिस से बॉलिंग भी देख लो। अब मोरिस कर रहे थे अपना पहला गेंद और सामने थे ब्रायन लारा। तो अब ब्रायन लारा के सामने ए लेंथ कैसी रहेगी, तो कि बहुत ही बढ़िया रहेगी। यहाँ पर दो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हम, एक तो है कटर का और एक तो है रिवर्स का, और रिवर्स तो नहीं है, इन स्विंग और आउट स्विंग है। यहाँ पर दूसरी बार भी हमने ट्राई किया कि शायद ये काम कर जाए, पर नहीं, यहाँ पे ब्रायन लारा हो तो भाई ऐसा टाइमिंग तो बनता है। तो बढ़िया सा टाइमिंग के साथ यहाँ पर जड़ दिया छक्का। तो अभी दूसरा उसी तरह का गेंद तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पर से, यार कौन सा बॉल किया था हमने, हाँ स्विंग बॉल, यहाँ से हमने सोचा कि चलो स्विंग बॉल कराया जाए, कुछ फ़ायदा मिल जाए तो। तो जी हाँ फ़ायदा तो मिला, लगा सीधा ही फिर से। अभी ब्रायन लारा को इंजर्ड करने का इरादा है क्या, तो यहाँ पर ब्रायन लारा थोड़ा सा बदकिस्मत। अभी देखो कभी कभी क्या करो, थोड़े से रुक जाओ गेंद करने से पहले, ओपोनेंट को मन बना लेने दो कि किस तरह का गेंद आएगा। यहाँ पर ये देखो छक्का इसने जड़ दिया, एक बार कन्फ्यूज हो गया तो फिर नहीं खेल पाएगा। तो एक ये चीज़ है बहुत ज़रूरी, तो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो आप बहुत ही बढ़िया बेहतर गेंदबाज बन सकते हो। तो अभी अगला गेंद और ए देखो हमने फिर से ठोक दिया इसके पैरों पर। ओ भाई ऐसे हम थोड़ी ना तुझको छोड़ेंगे, ना हम तुझको छोड़ेंगे, ना तू हमको छोड़ेगा। अभी यहाँ पर 56 रन पर है, अभी 4 ओवर होने वाले हैं और यहाँ पे देखो फिर से मिस। तो एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर क्रिस मोरिस की ओर से, जहाँ पर सिर्फ 56 रन हुए हैं 4 ओवरों में, वहाँ पर सिर्फ 12 रन दिया क्रिस मोरिस। तो अब आखिरी ओवर के लिए तो हमको कोई ना कोई बॉलर चाहिए ही था, यहाँ पर हेनरी विलजोयन को बकरा बनाया कि आ भाई तू आज कुछ कमाल दिखा, पर नहीं, यहाँ पे चौके लग रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक फील्डर को वहाँ पे रख दिया जाए, तो फील्डिंग सेटिंग करके एक फील्डर को रख दिया वहाँ पर और फिर से वो वाला बॉलिंग किया। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे बच गया ये थोड़ा सा मिस टाइमिंग। तो यहाँ पर हम थोड़े से खुश हुए कि नहीं यार यहाँ पर टाइमिंग नहीं हो रहा ओपोनेंट से, तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा आएगा। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना उसी तरह की गेंद की जाए। तो फिर हम लग पड़े सेम बॉल करने में,
पर यहाँ पे हम भूल गए कि यार हेनरी विल्जन का स्विंग तो यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये देखो वाइड गया। तो यहाँ पर अगर वाइड देते हैं तो यार ऐसे ही एक तो रन जा रहे हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा रन हम वाइड के भी देंगे, तो यार यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मेरी बढ़ गई थी। और अभी देखो डेविड वॉर्नर है सामने, पर यहाँ पर एक फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि ये एकदम ही गलत शॉट है। कम बाउंस वाले पे ये शॉट नहीं लगता। अगर हाँ यहाँ पे होता कटर तो फिर कुछ बात बन सकती थी, पर यहाँ पे नहीं। अब ये देखो हमने फिर से वही गेंद की जहाँ पर ओपोनेंट का पावर है सबसे ज़्यादा, तो फिर से इसने छक्का जड़ दिया। ये तो वही बात हो गई कि यार आबेल मुझे मार, और ऊपर से अंपायर भी देखो अपनी आंखें दिखा रहा है कि ये कैसी बॉलिंग कर रहा है, बार बार कंधे के ऊपर बॉल डाल रहा है। फिर हमने सोचा कि यार अब दाल नहीं गलने वाली, अब यहीं पर ही बॉलिंग करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए तू ओपोनेंट से अब ना डरे, अब यहीं पे बॉलिंग करो। और ये देखो अब वाइड, अब बताओ अब क्या करें हम। अब हमने सोचा कि यार कैसे भी करके दो गेंद डाल ही दो, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 82 रन हो गए। तो फिर वही हुआ, ये देखो इसने ये छड़ दिया छक्का, ये पहुंच गया 76 तक। अब आखिरी बॉल बचा था, अब हम सोच रहा था कि यार अब किस तरह से बचे, तो अब यहाँ पर रख के हमने स्ट्रेट बॉल किया, पर यहाँ पर भी बचेंगे थोड़ी ना। सामने है डेविड वॉर्नर, खूखार खेल रहा है, अच्छे से तरीके से पीट रहा है हमको। यहाँ पर 82 रन तक पहुँच गया ओपोनेंट। अब सिचुएशन ये थी कि 82 रन चेज करने थे, वो भी क्राउन प्लेयर के सामने। अब बॉलिंग में रखना पड़ेगा बहुत ही ध्यान, बॉलिंग में नहीं बैटिंग में। अब ये देखो पगला गया हूँ मैं, अभी बैटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। और ओपोनेंट के सामने हमने उतारे हमारे दो बादशाह क्रिस गेल और केरन पोलार्ड, और सामने आया पैटरसन। अब हमारे लिए तो पैटरसन ने अच्छा काम किया था, इसके लिए भी देख लो कैसा काम करता है। अब यहाँ पे दो रन लिए, पर इस बॉल के बाद मैंने गेल को कहा, अबे गेल ये तू क्या खेल रहा है, अबे इस तरह से खेलेगा तो यार तेरे को ब्रॉन्ज प्लेयर भी हरा देगा, ये तो क्राउन प्लेयर है, ठीक से ढंग से कुछ टाइमिंग वाइमिंग कर, नहीं तो बैंड बजेगी आज अपनी। फिर यहाँ पर गेल ने कहा चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पे पहले ही बॉल पे, पहले तो नहीं रहे, दूसरा है, दूसरे गेंद पे छक्का जड़ा है। पहला क्या, पहला हर बार पहला होता है क्या। चलो अभी क्रिस गेल अगली गेंद खेल रहा है, और इस बार लेग साइड से ये भी जाएगा छक्के के लिए, तो बहुत ही बढ़िया सिक्स। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब भी मैं बैटिंग करता हूँ तब कर्सर पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो कर्सर होता है ये जो व्हील है वहाँ से मैं कौन सा शॉट सिलेक्ट करता हूँ, फिर स्ट्रोक खेलता हूँ, लॉफ्ट खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, ज़्यादातर तो लॉफ्ट ही खेलूँगा, स्ट्रोक तो यार अपनी लिस्ट में ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये देखो बेवड़ा सा शॉट, फिर से दो रन ही लेने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर ये देख लो कि फ्रंट फुट खेल रहा हूँ या लेग फुट खेल रहा हूँ, एक देख लेना। खास करके अगर आपको अच्छी वाली बैटिंग टिप्स चाहिए तो आप ये एक वीडियो में ये चीज़ खास ध्यान रखें, आपको किस तरह से बॉलिंग या बैटिंग करनी है देखने को मिलेगा। और ये देखो अगली गेंद पे फिर से लगाया छक्का। अब हम पहुंच चुके हैं 5 गेंदों में 22 रन पर। अब यहाँ पर तकलीफ तो ओपोनेंट की भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक तो उसको भी मालूम पड़ गया होगा कि हम कैसे खेल रहे हैं और हम किस तरह के प्लेयर हैं। फिर यहाँ पर फील्डिंग चेंज, पर ऊपर से स्विंग, तो ये क्या लगता है हम क्या पोपट है क्या कि हर बार हम पोपट बनेंगे। अब ये देखो फिर से लगा दिया हमने छक्का, तो अभी हम कहाँ पहुँचे, 28 रन तक। सिर्फ एक ओवर में हम पहुँच गए 28 रन तक, तो यहाँ पर तो स्कोर लेवल हो गया। पहली ओवर में उसके भी 28 थे, हमारे भी 28 है, और जब फास्ट बॉलर नहीं चला तो यहाँ पर आया मीडियम फास्ट बॉलर। अगर फास्ट नहीं चलते तो मीडियम फास्ट कभी कभी काम लग सकते हैं, ये अच्छा सोचा ओपोनेंट ने, बहुत ही बढ़िया बात। अभी यहाँ पर छक्के की बारिश, अब देखो पोलार्ड भी लगा हुआ है, बैंड बजाने के लिए तैयार है। अब अगला गेंद बहुत ही ज़्यादा बाउंस आ रहा था, तो फिर से हमने वही शॉट चढ़ दिया, एकदम ही छक्के के लिए फिर से चला गया वो गेंद।
और यहाँ पर अंपायर आ गया बीच में। अब ये हमको अगर बोलेगा तो ओपोनेंट को भी बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अंपायर को हम खुलेआम कहूँगा यार पैसा खा रहा है, हमको यार बैंड बजा रहा है और ओपोनेंट की भलाई कर रहा है, एक ऐसी बात। फिर यहाँ पर इनसाइड कटर, हमको लगा थोड़ा सा तो टर्न करेगा पर नहीं 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 यहाँ पे टर्न क्यों करें भाई हम। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली गेंद इसको ऐसे करने दो, हम खुद आगे चले जाएंगे और क्या, तू नहीं आएगा तो हम चले आएंगे। तो हम आगे चले आए और फिर से जड़ दिया छक्का। तो यहाँ पर छक्कों की बारिश हो रही थी, बॉलर सोच रहे थे कि यार अब ओवर किससे कराया जाए, हमारे पास तो एक भी स्पिनर था, इस भाई साहब के पास तो एक भी स्पिनर नहीं दिख रहा, अब ये भाई साहब क्या करेंगे। डेविड वॉर्नर और ब्रायन लारा के चक्कर में गेल वेल को भूल गए, और ये देखो बहुत ही कम बाउंस। तो यहाँ पर एक ए बॉलिंग बहुत ही बढ़िया यार, कमाल लगा हमको, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। और फिर अब हम क्या सोचा कि अब इस तरह से गेंद करेगा तो हमको तो आगे जाना ही पड़ेगा, फैलना ही पड़ेगा। तो आ जाते हैं दो पैर और आगे, और क्या हमको क्या है, दो पैर ही तो आगे बढ़ना है। फिर हम दो पैर आगे बढ़ के फिर से छक्का लगा चुके हैं। तो दो ओवर हुए और 52 रन बने, विकेट अभी तक गिरा नहीं एक भी। तो अब अगला बॉलर कौन है, एनरिच नोरकिया। हमारे लिए तो नोरकिया ने रन खा लिए थे 28, इसके लिए क्या खाता है देखते हैं। और यहाँ पर पहले ही गेंद पे खाया छक्का। अब ये देखो यहाँ पर वार्निंग है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। जी हाँ वार्निंग तो मिलेगी भाई, कम स्पीड पे यार नोरकिया में स्विंग कराओगे तो भी वार्निंग तो मिलने ही वाली है तुमको। फिर यहाँ पर अगला गेंद देखो, ये हमको नो बॉल लग रहा था, हम यहाँ पर पीछे की ओर आए और इसको ठोका इस तरह से, एक रन ले लिया। अब क्या कहता है अंपायर देखते हैं। चलो बोलो अंपायर आपकी मर्जी बताओ। अरे अबे अबे यार नो बॉल नहीं है, अबे यार चलो कोई बात नहीं भाई, जैसी अंपायर की मर्जी और क्या। अब ये तो यार नो बॉल होना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमने जड़ा छक्का फिर से, तबाही मचाने वाला सिक्स। यार हम करें तो नो बॉल आ जाता है यार, वाह अंपायर वाह तू तो ग्रेट ठहरे, सही टाइम पे आया है। चलो अभी नो बॉल है तो फ्री हिट भी मिलेगी, ये देख के हमारे मन में फूट रहे लड्डू। अब हम देखेंगे किस तरह से कूटा जाए इसको। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं थोड़ा और आगे, कूटने के लिए तैयार हैं हम। पर ये हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमारी बैंड बज गई, यहाँ पे तो शॉट लगा ही नहीं। अब करें तो करें क्या हम। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे की ओर गेंद डाल रहा था, तो अब तो यार लगना चाहिए ये शॉट। तो जी हाँ लगा, पर सिर्फ एक ही रन मिलेगा इधर, दूसरा रन लेने की सोचना भी मत, वहाँ का फील्डर धड़ाक से स्टंप गिरा देगा। तो अभी क्रिश गेल वापस आ गए हैं, 8 गेंदों पे 35 रन बनाए हैं गेल ने। गेल आज एकदम ही खूबसूरती के साथ खेल रहा है, और हमने सोचा कि बाउंस तो बहुत है, पर ये क्या बहुत ही दूर गई गेंद यार स्विंग पे भी। कोई बात नहीं, अंपायर ने दिया है नो बॉल। तो अभी अगला गेंद कहाँ पे रख रहे हो भाई साहब, दिखा दो हमको लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन हमने देख लिया है कहाँ पर आ रहा है गेंद, और ए जड़ा छक्का, ए गया 6 रन के लिए स्टेडियम के बाहर। दर्शक खुश, अंपायर खुश, हम भी खुश, गेल खुश, पोलार्ड खुश, सारे के सारे खुश हो गए। और यहाँ पर ओवर हुए सिर्फ 2.5 और रन बने 74। अभी देखो नोरकिया की कैसे बैंड बजाते हैं। अबे अबे यार हमारा आवाज़ गला सूख गया, अबे ये क्या इतना सारा स्विंग हुआ ही नहीं। अबे यार हैरिस रॉफ आ रहा है अभी, अब अच्छे अच्छे बॉलर की वाट लगा दी है, तो ये हैरिस रॉफ किस खेत की मूली है यहाँ पर। और इसको भी यार 82 रन तक डिफेंड करवाना है, वैसे बॉलर अच्छा है हैरिस रॉफ, अगर ओपोनेंट ध्यान से गेंदबाजी करता और साइड पे रखता गेंद को तो भाई कुछ बात बन सकती थी। यहाँ पर हमारी टाइमिंग कभी कभी मिस हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम टाइमिंग में एकदम अव्वल नंबर है। और ए लगा दिया छक्का फिर से। अब देखो यहाँ पर स्कोर का हो चुका है लेवल, तो स्कोर लेवल होने के बाद अब ये देखना है कि बचे कितने हैं रन। और हाँ 81 तक है हम अभी हमको 2 रन चाहिए जीतने के लिए,
पर दो रन क्या एले छक्का ही मार देते। तो यहाँ पर 87 रन बन चुके हैं 3.3 ओवर में, तो बहुत ही गजब का हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। और बैंड बजा दी ओपोनेंट की, क्राउन 5 था। अभी क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में बताओ कमेंट में। चलो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।